सो गाइस जब मैं रात में ना शूट कर लेती हूँ उसके बाद इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि बिल्कुल भी मेकअप वगैरह रिमूव करने का मन नहीं करता है, बट स्टिल मैं ये ट्राई करती हूँ कि हर बार मेकअप अपना रिमूव कर लूँ, क्योंकि मेकअप अप्लाई करने से ज़्यादा हार्मफुल होता है मेकअप को रिमूव ना करना, लाइक बिना रिमूव किए सो जाना। तो जब भी आपको पॉसिबल हो आप मेकअप रिमूव करके ज़रूर सोएं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हो मेकअप करते टाइम, कौन सा प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाए आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहले ना मैं वेट वाइप्स से क्लीन कर रही हूँ अपने मेकअप को, एंड ये मैं ना कभी कभी करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ, बट हाँ कभी कभी जब मुझे जल्दी होती ना तो मैं फटाफट से पहले मेकअप वाइप से रिमूव कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि ना जल्दी जल्दी से जो जिद्दी मेकअप होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एंड अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, जिससे कि ना जो भी जैसे वाटर प्रूफ मस्कारा वगैरह अप्लाई करना होता है जब दिन भर शूट करना रहता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, तो वो सब रिमूव करने में ना वेट वाइप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं फटाफट से इसको रिमूव कर लेती हूँ। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कितना सारा मेकअप जो है वो निकला है एक ही वाइप से बस क्लीन करने से, बट स्टिल अभी हम लोग डबल क्लेंजिंग करेंगे। मैं माइसलर वाटर से भी एक बार क्लीन कर लूँगी, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा मतलब पोर्स वगैरह पे जो घुस जाते हैं ना मेकअप वो भी रिमूव हो जाए फटाफट से। तो आप देखिएगा कि उसके बाद भी कितना ज़्यादा मेकअप रह जाता है वाइप से क्लीन करने के बाद भी। तो मेक श्योर ना कि आप अच्छे से अपने मेकअप को क्लीन करें, तभी मतलब आपके फेस पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी, लाइक पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेंगे या फिर फेस आपका ख़राब नहीं होगा। सो गाइज माइसलर वाटर से क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से अपने फेस को ना वॉश कर लिया था फेस वॉश से। अभी मैं ना आजकल ये कोजिक एसिड सीरम है ये अप्लाई कर रही हूँ। कोजिक एसिड ऑयल है ये, बेसिकली क्या होता है कि इसको लगाना पड़ता है आपको 10 मिनट्स तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करके, उसके बाद 10 मिनट तक आपको छोड़ देता है। तो ये ना नेचुरली पील करने में हेल्प करता है, जो भी टैन होता है जो भी डर्ट वगैरह एक्स्ट्रा डर्ट जो होती है ना वो सब रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड ये ना मैं अप्लाई करती हूँ सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही, क्योंकि डे टाइम में ना सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो इस वाले ऑयल को लगाने के बाद आपको सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं जस्ट इसको अप्लाई करूँगी और 10 मिनट तक इसको छोड़ दूँगी। दस मिनट के बाद मैं ना अपने फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लूँगी अपने फेस को अगेन, एंड फेस वॉश के लिए मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी फेस वॉश, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you.
इतने में ही वैसे तो काफ़ी क्लीन हो जाता है मेरा फेस, बट एक स्टेप मैं और करूँगी जो कि स्क्रब होता है, तो मैं आज स्क्रब भी करने वाली हूँ अपने फेस को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था एंड मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर स्क्रब कर लेती हूँ अपने फेस पे, तो मुझे टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो स्क्रब भी कर लेती हूँ। बहुत रेयर केस होता है जब मैं ऐसे बैठ के स्किन केयर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज स्क्रब भी अप्लाई कर देते हैं। एंड ये बायोटिक का स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा स्क्रब है, कभी कभी मैं इसको फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा हार्श नहीं है फेस पे। अभी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा प्लम एंड क्लीन दिख रही है ना मेरी फेस, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है जो भी चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा रही हूँ स्क्रब का, मेरे पास दो हैं बट मैंने फर्स्ट वाला ही यूज़ किया था। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी टोनर, दिस इज़ फ्रॉम बायोटिक, और इस टोनर को मैंने स्टोर करके रखा है ऐसे स्प्रे वाले बॉटल में, ये ज़्यादा ईजी लगता है मुझे स्प्रे करना, तो मैं बस फटाफट से स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे अच्छे से और उसको सेट कर लूँगी अपने हाथों की हेल्प से ही, डैब डैब करके सेट कर लूँगी अपने फेस पे। एंड इसको लगाने के बाद मैं कम से कम 5-10 सेकेंड्स तक छोड़ती हूँ अपने फेस को, जिससे कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी अपना मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ पीच मिल्क, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, क्योंकि ना मैं एसी में सोती हूँ तो फेस बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अपने स्किन को, जिससे कि हाइड्रेटेड रहे, ज़्यादा ड्राई ना हो मेरा फेस। एंड अभी मैं लगा लूँगी लिप बाम, ये हिमालय का लिप बाम है, बहुत अच्छा है लिप बाम। लिप बाम के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो दिखता है मुझे वही मैं अप्लाई कर लेती हूँ, बस लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ लिप्स में करती नहीं हूँ मैं, कभी कभी स्क्रब वगैरह कर लेती हूँ। एंड लास्टली मैं एक स्टेप करती हूँ, अपने हाथों को ना मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ बोरो प्लस लगा के, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के बाद। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।